नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा संभव पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण, नगर निगम की न्यू बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में सभी समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जिसमें समीक्षा बैठक नगर विकास मंत्री द्वारा संभव पोर्टल से कुल 17 शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा नगर विकास मंत्री ने उन 17 शिकायतकर्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जन संभव सुनवाई दिवस प्रत्येक सोमवार को नगर पालिका और नगर पंचायतों में 10 बजे से 2 बजे तक मनाया जाता है। इसमें क्षेत्र की जो भी शिकायतें, सड़क, पानी, नाली सहित जो भी शिकायतें तुरंत निस्तारण हो। उन्होंने बताया कि संभव पोर्टल द्वारा शिकायतें आती हैं, उसे महीने में एक बार नगर विकास मंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है। जो भी शिकायतें आई रहती हैं वह लखनऊ से ही शिकायतकर्ता से बात करके वहीं से उनका निस्तारण करते हैं और शिकायतकर्ताओं से जानकारी लेते हैं कि जो भी उनकी शिकायतों का निस्तारण किया गया है उससे वह संतुष्ट हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि नगर के बेतियाहाता से सतीश कुमार नायक द्वारा संभव पोर्टल पर सीवर लाइन को लेकर शिकायत थी, जिससे शिकायत की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जलकल की टीम को मौके पर भेजकर मौके पर जाकर चैम्बर बनाने में 2.5 लाख का कुल एस्टिमेट बनाया गया, जिस पर टेंडर कराकर 3x5.5 मीटर का डीप चैम्बर बना दिया गया। इस चैम्बर को सीवर लाइन को जोड़ दिया गया। अब नगर निगम की त्वरित कार्रवाई से शिकायतकर्ता सतीश कुमार नायक भी संतुष्ट हैं। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकल रमेश चंद्र रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, इस भावना के साथ इस पहली बार भी कि इस सेटअप को आप अच्छा ठीक है सर, मैं ठीक कर ले रहा हूँ मेरा अरुण कुमार को कपड़ा लाइक कर रहा हूँ बुरा होता नगर आयुक्त को बुलाया है क्या नगर आयुक्त तो ये क्योंकि बैठक कर रही है ना वो 12 बजे की बैठक कर रही है अभी मुझे दिख रहा है रोजाना प्रयागराज उनकी बुरा था बड़ी वहाँ की तैयारियां आप करा लें उसी हिसाब से उसको इंटीमेट करना है। वहाँ पे सबको निर्देश दे दिया गया है, टेस्टिंग फॉर्मल टेस्टिंग हो गई तो आप लोग वहाँ पर अब मुझे बताया जा रहा है कि बड़ी बात खुदाई का काम है जहाँ गहराई ज्यादा ऐसा मुझे कहा गया है। मैं इस बात समझी है क्या नहीं कार्रवाई करके नियम से जो भी वो है नियम संगत इस कार्य को आगे बढ़ावे। और बताइए उसे क्या नवीन जी है जी नमस्कार सर, सोनीपत हरियाणा से क्या समस्या है सर मुझे आपकी समस्या 27 को दिया जी इतने साल को पेंशन के लिए ग्रेच्युटी के लिए सर और सर इसको सर मैंने पूरा दिखवाया है सर, श्री सतीश कुमार जी की सर हमारे पास सर क्या समस्या थी सर वहाँ पर उन्होंने शिकायत की थी सीवर लाइन सर सीवर लाइन जो थी सर उसके जाम होने की शिकायत थी सर और हमने सर टीम को वहाँ मौके पर भेजा सर तो ये पाया कि सर सीवर लाइन काफी पुरानी एवं ओवरलोड थी सर तो इसके बाद हमने सर उसको जलकल के हमारे जीएम साहब गए वहाँ पे निरीक्षण करा के सर 2.5 लाख का इसका एस्टिमेट बना सर और उसके बाद हमने टेंडर किया सर और टेंडर करने के बाद सर जो दो हमारे चैम्बर के बीच में नाली सीवर लाइन चौक हुई थी सर वहाँ पर सर 3x5.5 मीटर का सर डीप चैम्बर सर हमने बनवा दिया है और उस डीप चैम्बर से लाइन को सर जोड़ दिया है। अब वर्तमान में कोई भी समस्या नहीं है सर,
मेरे अपर नगर आयुक्त साहब की सर और जलकल के जीएम साहब की सर मिस्टर सतीश कुमार से पूरी बात अभी हो गई है सर, और सतीश कुमार के पास मेरे सर इस वक्त एक जेई साहब भी मौजूद है सर वहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं। सतीश कुमार जी अगर आप ऑनलाइन है तो कैनाल का सीट में कन्वर्ट करने के लिए तो ये मशीन किसको सफाई करते वक्त वहाँ पे कोई पाइपलाइन थी वो लग गई थी जिससे पानी जो है एक रिटायर्ड हूँ का इंसान सुबह झाड़ू मारना है सारी नाले की दीवार पर पहले भारत सरकार की योजना पेंट करनी है। आप इस तरह से लोक सेवा करते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं और महेंद्र जी आप देख दिखवा दीजिए, आप सर इस पर ध्यान दीजिए, जो भी काम हो चुका है उसके लिए बधाई आप सबको, बाकी हो उसको आप पूरा करवाइए। मथुरा चलेंगे, हो गया है पीएम सोनी जी उनका, आप संतुष्ट हैं सुख जी? जैसा कि आपके संज्ञान में है, प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक संभव जन सुनवाई दिवस के रूप में प्रत्येक नगर निगम में मनाया जाता है, और इसी प्रकार से जन संभव सुनवाई दिवस जो है प्रत्येक सोमवार को नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इसको मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरे नगर निगम के क्षेत्र से जो भी शिकायतें हैं, चाहे वो सड़क, पानी, नाली, नाला, स्ट्रीट लाइट आदि के संबंध में, उनको जो शिकायतें आएँ उनका त्वरित निस्तारण हो, और संभव की जो शिकायतें आती हैं इसका महीने में एक बार माननीय मंत्री जी नगर विकास विभाग के स्तर से इसकी पूरी समीक्षा की जाती है, और उसमें से वो हर निकायों से कुछ सेलेक्टेड शिकायतों को चयन करते हैं और उसकी शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का की जांच करते हैं कि जो भी शिकायतें आई थी उन शिकायतों का जो निस्तारण किया गया है, उस शिकायतों के निस्तारण से संबंधित शिकायतकर्ता कितना संतुष्ट है, और वो वहीं से लखनऊ से ही समीक्षा बैठक में ही उन शिकायतकर्ताओं से भी सीधे बात करते हैं और उनसे पूछ जानते हैं कि क्या जो शिकायत का निस्तारण किया गया है उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि नहीं। अधिकांश में समीक्षा बैठक में देखा गया है कि वो जो लोग शिकायत करते हैं वो शिकायतों के निस्तारण से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जहाँ शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है, माननीय मंत्री जी के स्तर से इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अर्थात शिकायतकर्ता को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए। तो आज उसी की कड़ी में संभव जो समाधान दिवस है उसी की समीक्षा माननीय मंत्री जी के स्तर से की जा रही थी, जिसमें कि गोरखपुर नगर निगम का भी एक प्रकरण था जो कि बेतिहाता क्षेत्र में जो सीवर की लाइन थी उसके चोक हो जाने की समस्या थी। आज जब इसकी शिकायत की गई थी हम लोगों ने तत्काल टीम मौके पर भेजा था, और जब पाया कि यह लाइन जो है बहुत पुराने पहले समय की पड़ी हुई है और इसके ऊपर वक्त के साथ जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये चोक हो गई है, तो हम लोगों ने तत्काल पूरा इसका एस्टीमेट बनवाया था, 2.5 लाख रुपये का एस्टीमेट बना, और हम लोगों ने फिर इसका टेंडर निकाल कर जहाँ पर जितना एरिया चोक था वहाँ पर हम लोगों ने उसको काट दिया, और काट कर वहाँ पर डीप जो है सीवर चैम्बर बनवा कर उस नाली को जोड़ दिया गया, तो इससे जो शिकायतकर्ता थे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, और अब जो चोक की जो सीवर जाम की समस्या थी या सीवर फ्लो की समस्या थी वो समस्या ख़त्म हो गई। इस बात को माननीय मंत्री जी ने सीधे उस शिकायतकर्ता से भी बातचीत किया और उसकी संतुष्टि जाननी चाहिए कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। ये निस्संदेह बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि ये बेहतरीन प्रयास है कि जिससे कि शिकायतकर्ता से भी बात करके उसकी भी मंशा जान ली जाती है कि जो कार्य किया गया है उससे वो संतुष्ट है कि नहीं।